आज मैं आप सभी लोगों को सिखाने वाला हूँ ट्रू कॉलर के अंदर किस तरीके से आप लोग अपने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। सो पहले ये फीचर ट्रू कॉलर के अंदर नहीं था, लेकिन अभी अभी जस्ट इस फीचर को ट्रू कॉलर के अंदर ऐड कर दिया गया है। अब से आप सभी लोग सारे कॉल को यहाँ पर ट्रू कॉलर के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये फीचर आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा और इसकी सेटिंग को आप लोग को कैसे इनेबल करना है, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो चलिए आज का जो वीडियो है स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, देन ट्रू कॉलर सर्च करके देख लेना है क्या वहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर अपडेट मांग रहा है तो आप लोगों को अपडेट कर लेना है। अगर आप लोग अपडेट नहीं करोगे तो ये फीचर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। सो अपडेट करने के बाद इसको आप लोगों को इस तरीके से ओपन करना है। देन जैसे ही आप लोग इसको ओपन कर लोगे, अब आप लोग को ये जो फीचर है कहाँ देखने को मिलेगा, ऊपर साइड में आप लोगों को तीन डॉट देखने को मिल रहा है, इस पर आप सभी लोग क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप लोग क्लिक कर लोगे सो इसके अंदर देख सकते हैं कौन कौन से न्यू फीचर ऐड किया गया है, वो सारे आप लोग को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को ओनली कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। सो नीचे साइड में आप लोग देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग आप लोग को देखने को मिल रहा है। चलिए इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर ऑन होगा तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, मैंने इसको एक बार टेस्ट करके देखा इसलिए ऑन था। आप लोग जब इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ऑफ देखने को मिलेगा, तो आप लोग को ऑन कर लेना है। देन ऑन जैसे ही करोगे उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड में कंटिन्यू पर टैप करना है, उसके बाद एक्सेप्ट पर टैप करना है, फिर कंटिन्यू पर टैप करना है, फिर अलाउ करके परमिशन देना है, फिर गो टू सेटिंग पर जाके आप लोगों को इसको डाउनलोड सर्विस पे इनेबल कर लेना है। चलिए यहाँ पर ट्रू कॉलर पर हम यहाँ पर एसिबिलिटी में जाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके से टाइमिंग आएगा, उसको आप लोग टिक करके ओके पर क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से टिक कर लिया हूँ और टिक करने के बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर मैंने क्लिक करा, अब इस तरीके से हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारा जो कॉल रिकॉर्डिंग है इनेबल करके आप लोग को देखने को मिलेगा, इनेबल हो चुका है। गॉट इट पर क्लिक करके फाइनली हमने सारी सेटिंग को कर लिया। अब उसके बाद एक सेटिंग आप लोग कवर करना है, ऊपर साइड में सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर ऑटो कॉल रिकॉर्ड, जैसे कि ऑटो रिकॉर्ड जो होता है ना, ऑटोमेटिक कॉल उधर से इनकमिंग आती है हम लगाते हैं तो ऑटोमेटिक वो कॉल रिकॉर्ड कर लेगा, तो इसको आप लोग को इनेबल करना है। इनेबल आप लोग जैसे ही कर लोगे सो फाइनली आपका जो जितना भी कॉल आएगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अब रिकॉर्ड होने के बाद कहाँ देखने को मिलेगा वो भी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइव यहाँ पर कॉल करके दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग होती है। सो चलिए थोड़ा सा मेरा जो वीडियो आवाज़ है साउंड म्यूट हो जाएगा क्योंकि मैं कॉल करूंगा दूसरे नंबर से, तो उसके बाद म्यूट होने के बाद यहाँ पर पूरा आप लोग लाइव देख सकते हैं। चलिए एक नंबर से मैं कॉल करता हूँ यहाँ पर इस मोबाइल पर, ये हमने कॉल पर दबाया और फाइनली इस मोबाइल पर कॉल आ जाएगा। सो देख लीजिए यहाँ पर हम इसको आंसर दे देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग नीचे साइड में आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। सो इस तरीके से गाइज आप लोग यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, नीचे साइड में आप लोग को सिंबल देखने को मिल रहा है। और इसके एक ये भी फायदे हैं, इस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, गूगल डायलर वाले जिसके स्मार्टफोन में गूगल डायलर है वो किस तरीके से इसको इनेबल करके गूगल डायलर में जैसे कि बोलता है ना कि आपका कॉल रिकॉर्डिंग हो गया है, वो उसको स्किप करके आप लोग ये कर सकते हैं, ये भी एक वीडियो स्पेशली आऊंगा। सो यहाँ पर ट्रू कॉलर के लिए था जो मैंने यहाँ पर लाइव दिखाया। चलिए फोन को मैं काट देता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो फ़ोन है फ़ोन को कट कर दिया है। अब गाइस कट करने के बाद यहाँ पर अब मैं बताऊंगा ये जो रिकॉर्डिंग है कहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा। सो होम से इसको हटा देते हैं हम। अब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आपको ट्रू कॉलर को ओपन करना है। देन जैसे ही आप सभी लोग ट्रू कॉलर को ओपन कर लोगे उसके बाद आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को तीन डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन नीचे साइड आके कॉल रिकॉर्डिंग पर आप लोगों को टैप कर लेना है। जैसे ही कॉल रिकॉर्डिंग पर मैंने टैप करा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये आ चुकी है। यहाँ पर प्ले करने के लिए आपको प्ले पर क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद यहां पर आपके स्मार्टफोन में जो भी म्यूजिक वाला सिस्टम है ऐप है उस पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया हूं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप सभी लोग नीचे साइड में आप लोगों को यहाँ पर मेरी आवाज़ आप लोग को देखने को मिल रही है। सो यहाँ से आप लोग इस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर भी कर सकते हैं। तीन डॉट पर क्लिक करिए, शेयर पर टैप करिए और यही कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोग को व्हाट्सअप पर या फिर बीटी से किसी को भेजना है, मेल पर भेजना है तो कॉल रिकॉर्डिंग भी शेयर कर सकते हैं या फिर तीन डॉट पर क्लिक करके इस तरीके से डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है।
उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं राहुल येसवाल आपसे फिर से एक फ्रेश नई वीडियो में मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।